हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग की कोई भी वीडियो शूट नहीं किया और डायरेक्ट हमने लंच की वीडियो बनाई है, जिसमें हम कर रहे हैं लंच, हस्बैंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम आज हमारे यहाँ लंच में बना हुआ था भेजा रोटी एंड साथ ही बना हुआ था चावल दाल। फ्रेंड्स और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ लड़कियाँ जो मंतशा वरीशा हैं, वो लोग आज जा रही थी अपनी कज़िन सिस्टर के यहाँ। कज़िन सिस्टर की शादी थी तो उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी देने के लिए, तो वो मुझे ला कर दिया था कि भाभी इसको पैक कर दीजिए। तो मैंने उस गिफ्ट की थोड़ी सी वीडियो बनाई ताकि अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर करें। और फ्रेंड, वीडियो बहुत अच्छी बनाई थी, मगर शायद हमने वीडियो बनाने के टाइम कैमरा ही ऑन नहीं किया, तो इसमें लाइटिंग जलती है ना, बहुत अच्छी लाइट जलती है, बहुत प्यारा लगता है। ये मैजिक मिरर है फ्रेंड्स, इसको वैसे तो आप मिरर की तरह यूज़ कर सकते हैं, मगर जब इसका प्लग लगाएंगे, लाइट लगाएंगे, तो इसमें एक अच्छी सी लाइट जलेगी जिसमें आप अपनी फ़ोटो वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है फ्रेंड्स ये। मगर मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, मगर पता नहीं क्या हुआ, वीडियो शूट नहीं हो पाई कि हमने कैमरा ही ऑन नहीं किया था, सिर्फ कैमरा चल रहा था पर वीडियो नहीं बन रही थी। मुझे लगा शायद बन रही है, फिर जब बाद में वो गिफ्ट लेके चली गई थी, फिर जब हमने वीडियो की एडिटिंग करने का टाइम वीडियो ढूंढी, तो मुझे वो बिल्कुल कहीं भी नहीं मिली फ्रेंड। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी हुआ, पर वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो खैर कोई बात नहीं, इतनी ही वीडियो बन के रेडी हो गई। उसने मुझे दिया था भाभी इसको पैक कर दीजिए, तो हम उसके गिफ्ट को पैक कर रहे थे। तो एक गिफ्ट था वरीशा का और एक गिफ्ट था मंतशा का फ्रेंड। तो ये वाला गिफ्ट वरीशा दे रही थी अपनी कज़िन सिस्टर को, और इसी के साथ एक गिफ्ट और है, वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड। वो गिफ्ट मंतशा दे रही थी अपनी कज़िन सिस्टर को। ये दोनों ही शादी में गई थी, शादी में सब लोग इन्वाइट थे, मगर ये कि सब लोग नहीं गए थे फ्रेंड, सिर्फ लड़कियाँ ही सारी गई हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपके लिए हम रोज़ वीडियो बनाते हैं, डेली वीडियो डालते हैं फ्रेंड, बिना स्किप किए, एक भी दिन स्किप नहीं करते। कभी ऐसा हो जाता है, जो कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि एडिटिंग नहीं हो पाती या वॉइस ओवर नहीं हो पाता या कोई तबीयत हो जाए खराबी हो जाती है, कहीं अर्जेंटली जाना पड़ जाता है फ्रेंड, तो इसलिए शायद नहीं हो पाता है। मगर ज़्यादातर मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं घर पे हूँ तो आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए दूसरा गिफ्ट ये रहा, और इसमें बहुत ही प्यारी सी वॉच थी, और उसने अपनी कज़िन सिस्टर के हस्बैंड के लिए, मतलब कि अपने जीजू के लिए लिया था फ्रेंड। तो ये वॉच बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो इसे भी हम जा रहे हैं पैक करने, और पैक करके गिफ्ट इन लोगों को दे देंगे। और ये लोग जा रही हैं अपनी कज़िन सिस्टर की शादी में, और फिर ये गिफ्ट जब सलाम कराई होती है फ्रेंड, उस टाइम ये गिफ्ट ये लोग देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से दोनों गिफ्ट को हमने पैक कर दिया है, और दोनों गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे और प्यारे लग रहे थे फ्रेंड्स। तो गाइस, गिफ्ट तो पैक हो चुके हैं, अब चले उन लोगों को उनके गिफ्ट पकड़ा देते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, हम लोगों को इनविटेशन आया है फ्रेंड्स। जो हमारे यहाँ घर बना रहे हैं, जो जिनको ठेका दिया गया है, उन्होंने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोला है, किला 14 फ्रेंड्स डाइन एंड गेमिंग जोन। और ये हम लोगों को इनविटेशन आया है, तो हम लोग जा रहे हैं, आज उसका पहला दिन है, उद्घाटन है उसका फ्रेंड। तो जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो हम आप लोगों के साथ कल शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि किसी वजह से हम इसको एडिट नहीं कर पाते फ्रेंड, तो इसलिए आज हम आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो खैर, हम लोगों ने पढ़ लिया था, मगरिब की नमाज ही पढ़ लिया था, और किसी का वेट हो रहा था तो ईशा का भी टाइम हो गया था, हम लोगों ने ईशा की भी नमाज़ पढ़ लिया था। और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ही हम लोग गए थे रेस्टोरेंट में, और माशाल्लाह से रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था फ्रेंड्स, आइए आपको भी दिखाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, हम लोग घर से निकल चुके हैं, राजू भाई आ चुके थे, हम लोग जा रहे थे कार से, बहुत दूर नहीं है फ्रेंड्स। हमारा जो न्यू घर बन रहा है, करीब उससे करीब 10 से 15 मिनट के रास्ते पर होगा, वहाँ से ज़्यादा करीब है हमारे नए घर से फ्रेंड्स, और हमारे पुराने घर से थोड़ा सा दूर है। मगर ये कि कार से तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बस मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच गए थे फ्रेंड। और ये देखिए फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं किला 14, और फ्रेंड आइए चलते हैं लेके आपको अंदर, और दिखाते हैं कि अंदर कैसा बना हुआ है। और हम लोग भी बस आज उद्घाटन ही है, तो इसलिए फर्स्ट टाइम ही आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से रास्ता, और इसको चढ़ के, यहाँ से चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है फ्रेंड्स, ये ऊपर बना हुआ है।
और फ्रेंड्स यहाँ पे ऑनलाइन गेम्स, बच्चों का खेलने का गेम सब कुछ है फ्रेंड्स यहाँ पे, और काफी ज्यादा कलरफुल बना हुआ है। बच्चे तो वैसे ही देख के खुश हो जाएं कलरफुल चीजें देख के, और छोटे बच्चे ज्यादा ही खुश होते हैं फ्रेंड। हमारे हमजा तो बहुत ज्यादा यहाँ मस्ती किए हैं, बहुत ही ज्यादा मस्ती किया है हमजा ने यहाँ पे। आप लोग अभी देखिएगा वीडियो में, जब आप लोगों को पता चलेगा कितना ज्यादा हमजा ने यहाँ मस्ती किया है। और फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग अंदर आ चुके हैं, माशाल्लाह से जब अंदर पहुंचे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है फ्रेंड्स। टेबल और चेयर लगी हुई है, साथ ही बच्चों का साइड में किड्स जोन है। ये देखिए यहाँ पे बच्चों के झूले और बैठने वाली कार वार सब रखी हुई है फ्रेंड्स, बॉल्स वगैरह हैं। और हमारे हमजा तो इतने ज़्यादा हैप्पी हैं देख के। ये देखिए सामने ऑनलाइन ये देखिए इधर ऑनलाइन गेम चल रहे थे जो कि उमर खेल रहे थे फ्रेंड्स। उमर के फेवरेट गेम थे यहाँ पे, उमर भी खेलने के लिए आए थे अपनी मम्मा के साथ, क्योंकि उमर की मम्मा उमर भी आए हुए थे, साथ ही हमारी देवरानी, उनके हस्बैंड, हमारी सास, हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे सब लोग आए थे। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भी थी फ्रेंड, पर यह कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल न्यू था तो और भी अच्छा लगता है। यहाँ की चेयर्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी फ्रेंड्स। और ये देखिए सामने बैठे हैं हमारे हस्बैंड, और अभी हम लोगों ने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया, अभी तो सिर्फ हम लोग देख ही रहे हैं सब कि सब कैसा है। पर माशाल्लाह तो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है, देखिए लाइटिंग से सजा हुआ है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग बहराइच के हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा, ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें हैं हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रेंड्स, और काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में है, और भी रेस्टोरेंट से अच्छा है यहाँ पे फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ आए एक बार विजिट ज़रूर करें फ्रेंड्स, हर चीज़ यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मिलेगी। वैसे हम लोगों ने वैसे तो ये देखिए उमर अभी खेलना शुरू कर दिए हैं अपना गेम, और उमर गेम खेल रहे हैं। उमर तो आए थे तो सिर्फ इसी में फंसे थे, और हमजा अपने गेम में फंसे हुए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ऑर्डर दे रहे थे, मगर अभी न्यू रेस्टोरेंट था तो कुछ चीज़ें अभी इनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो फिर इनको हम लोगों ने चाउमीन एंड कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, और फिर साथ ही मिठाई भी आई थी, उद्घाटन की मिठाई आई थी फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अच्छे से लड्डू थे फ्रेंड्स। हम लोगों ने लड्डू खाया और लड्डू काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे, और हम लोगों का ऑर्डर भी हो चुका था, बस अब हम लोग वेट कर रहे थे ऑर्डर का। और उमर को देखे काउंटर के पास जाके खड़े हो गए हैं, वहाँ गए हैं कैसेट लेने, अपना फेवरेट गेम बता के वहाँ से कैसेट लेने गए हैं कि हमको ये गेम खेलना है, और वहाँ पे खड़े हुए हैं। और माशाल्लाह से उमर अब शर्माते बिल्कुल भी नहीं है, हर किसी से बात कर लेते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए हम कहाँ बैठे हुए हैं, आके ये वाले सोफे पे बैठे हुए हैं, जो छोटे वाले सोफे हैं फ्रेंड। और फ्रेंड्स जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं हमजा तो ऐसे गेम के अंदर घुसे हैं कि वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इनके साथ के वहाँ पे बहुत से बच्चे हैं, और इनसे बड़े बड़े भी हैं फ्रेंड, तो ये सारे बच्चों को मार रहे हैं। बस हमजा को ऐसा लग रहा है कि ये सब हमजा का ही है। और फ्रेंड्स ये देखिए ये आ गई थी ऑर्डर करने पर चाउमीन, और चाउमीन वाकई में फ्रेंड्स सच में बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी थी। पनीर पड़ा था, मशरूम पड़ा था, और नूडल का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, नंबर वन के नूडल्स लग रहे थे फ्रेंड्स। हम लोगों ने तो काफ़ी अच्छे से पेट भर के नूडल्स खा लिया था, इतना नूडल्स खा लिया था कि घर पे आके खाना खाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई फ्रेंड्स, फिर हम लोगों ने डिनर नहीं किया था। और फ्रेंड्स ये देखिए कॉफ़ी आ गई थी, काफ़ी कुछ ज़्यादा हार्ड थी कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा कड़वी थी, मगर ये है कि फिर भी अच्छी लग रही थी, कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा था, बस ये काफ़ी ज़्यादा उसमें पड़ गई थी। और फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग खा पी चुके थे, फिर हम लोग पेमेंट करने के लिए आ गए थे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आज गेम और बच्चों का किड्स जोन एरिया जो था वो आज फ्री था फ्रेंड, उद्घाटन की वजह से ये है कि अब जब आएंगे तो यहाँ पे टिकट पड़ेगा, तो बच्चों ने फ्री होने का फुल फ़ायदा उठाया। गेम खेल लिया। और फिर उसके बाद खा पी के हम लोग चल दिए थे अपने घर की तरफ। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पे प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।